कोई कुआं में कूद रहे थे, कोई पेड़ों पर चढ़ रहे थे, आज भी दीवारें लाल हैं, तो उसी बाग का मंजर कवि ने इस रागनी में लिखा है। क्या क्या हुआ था सुनेंगे इस रागनी में। घेर बाग सारा गन फेंकने लागिया गने बाजे
पापी देश तारे बर्बाद कर देगी। मैं इसकी बातों में आ गया था और मैं भूल गया था कि अपना खून अपना ही होता है। इस स्त्री ने मेरा सारा घर बर्बाद कर दिया। किस तरह से कहते हैं हाँ।
चूथा पिंगला पतिवर को न्या मन कर दी रात अंधेरी सबसे बड़े बताए हैं कि भूमि छुटन भैया मरण, भूमि छुटन भैया मरण और मरे कुलवंती नार और ये पुत्र बिछोवा होत है, ये दुख धारण चार। किसी की भूमि छुट जाए, कोई घेर ले, चाहे थोड़ी ही भूमि हो, लेकिन सारी जिंदगी दुख रहता है कि मेरी भूमि छिन गई। पुत्र खत्म हो जाए तो मां बाप को सारी जिंदगी चैन नहीं आता, रातों को छुप 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 कर रोते हैं। और ऐसा ही दुख भैया का बताया है कि भैया अगर मर जाए या छोड़कर चला जाए तो भाई को बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे रिश्ते खून के होते हैं। क्या लिखा अगली बात में? Oh,
करेंगे से शरीर को शांति मिल जाएगी। एक बार मेरे पास आ जा। कर्मों के आधार पर किसी के कर्म अच्छे हैं तो आज ऐस मौज ले रहा है, उसके पास धन जर की कोई कमी नहीं। किसी के कर्म थोड़े बहुते हैं, हो सकता है इस जन्म के ना हो लेकिन पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होंगे कि जिसकी सजा वो इस जन्म में भोगता है। तो एक एक शब्द बड़ा मोती की तरह समझाया है कवि ने, सुनेंगे इस उपदेश में। जाए कोई गिरे हो नर ऐसा ही पेड़ जान में कोई चढ़ जाए कोई गिरे हो नर ऐसा ही पेड़ जान में कोई चढ़ जाए कोई गिरे कोई चढ़ जाए कोई गिरे कोई चढ़ जाए कोई गिरे चढ़ जाए कोई गिरे कोई चढ़ जाए कोई गिरे हो नरे ऐसा पेड़ जान मेरे कोई चढ़ जाए कोई गिरे हो नरे ऐसा पेड़ जान मेरे कोई चढ़ जाए कोई गिरे
जोधपुर से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बड़े भाई संदीप चौधरी, वेना से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, दोनों का बार बार धन्यवाद। उस भगवान ने किसी को हार हमेल वस्त्र आभूषण दिए हैं तो किसी के पास दो वक्त की रोटी महताज नहीं है। क्या लिखा पहली बात में, किसी को हार दिए रे नौ लाखे लिखे किसी के कर्म में धाके, किसी को हार दिए रे नौ लाखे लिखे किसी के कर्म में धाके, कोई पक्के रहे सरकी में गुजर करे ओ नरे सही के जान मेरे कोई चल जा कोई तुरे सर पे धर दिया ताज हुआ रे कोई टुकड़ों को भी मोहताज, किसी के सर पे धर दिया ताज हुआ रे कोई टुकड़ों को भी मोहताज, किसी के जहाज उड़े रे आसमान में कोई नंगे ही पैर तेरे ओ मेरे ऐसा के जान मेरे कोई चढ़ जाए कोई ना जानते हो, लेकिन कुछ समय पहले भाड़ भुजने वाले आया करते थे गांव-गांव में, और उनसे जब भाड़ भुजवाते थे, मान लो मक्का भुजवा रहे हैं, तो भुजने के बाद भी कुछ दाने ऐसे रह जाते थे जो कि या तो कम भुजे होते थे या भुजे ही नहीं होते थे। उसी तरह ग्राम प्रधान श्रीमान संतपाल सिंह जी 501 रुपए दे रहे हैं, और इन्होंने भी यही कहलवा के भेजा है कि ये रागनी बहुत पसंद करते हैं, बार बार धन्यवाद करता हूं उनका। जिस तरह से उस भड़बूजा के भाड़ के दाने अध भुजे रह जाते हैं या बिना भुजे रह जाते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर हर तरह का इंसान है, कोई तो परिपक्व है अपने आप में, वो जानता है कि ईश्वर ने हमें यहां भेजा है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो आयुष चौधरी, वो भी मान सम्मान करते हैं पुरस्कार देकर, बार बार धन्यवाद। ईश्वर के भजनों में अपने 24 घंटे की दिनचर्या में से 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा एक घंटा जरूर देता है, लेकिन एक इंसान वो भी है जिसे भगवान से कोई मतलब नहीं है, बस अपने पेट भरने में लगा हुआ है, चारों तरफ से समेटने में लगा हुआ है, लेकिन उस ईश्वर का गुणगान जरूर करना चाहिए। क्या लिखा, Thank you.
किसी ने करी हरी की पूजा, किसी ने काम छेड़ दिया पूजा। किसी ने करी हरी जैसे घर पूजा की बार मेरे कोई रह जाए कोई नहीं रहे है कि वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। क्यों? कि अगर एक इंसान को उसने धन माया दी है तो दूसरे इंसान को जरूर उसने ये चुस्त तंदुरुस्त बदन दिया है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जानता है कि अगर इसके पास इसका शरीर स्वस्थ है तो ये मेहनत करके भी अपना पेट का गुजारा कर सकता है। क्या लिखा? किसी को धन माया की जरूरत, किसी को दी ताकत और फुरती। किसी को धन माया की जरूरत, किसी को दी ताकत और फुरती। मात्र 16-17 साल की उम्र है, स्कूल में पढ़ने जाता है। शाहजहां का राज था, स्कूल नहीं उस समय मदरसे हुआ करते थे। मुसलमानी बच्चों के बीच में अकेला वो हिंदू बच्चा पढ़ता था। आज खेल खेल में वो मुसलमानी बच्चे हकीकत से उसकी देवी माँ के लिए कुछ गाली दे देते हैं। मेरे मेहरबानों, हिंदू खून था वो, एक गाली के बदले में उनकी फातिमा के लिए 4 गाली देता है। बात अधिकारियों तक पहुंचती है, मौलवी तक पहुंची, सभी ने मिसकोट किया कि इसने हमारे इस्लाम धर्म की तौहीन की है, इसे फांसी होनी चाहिए। मेरे मेहमानों, वो नादान बच्चा फांसी के तख्ते पर है। मौलवी ने एक सुझाव दिया कि या तो हिंदू धर्म कबूल कर ले या तुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। हिंदू खून था, जोश में आकर के हकीकत कह देता है कि मरना मंजूर है, देवी मां की तौहीन नहीं सह सकता और ना ही हिंदू धर्म बदलूंगा। साथियों, आज वो निर्मोही मुस्लिम, वो मुगल उस हिंदू बिंद को फांसी लगा देते हैं। सुबह 4 बजे का समय है, उसे फांसी लगाई जा रही है। कितना मकबूल वर्णन कवि ने यहां का लिखा है, सुनेंगे श्रावणी में।
हर हकीकत को काजियों ने फांसी आज हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई फूल देख लिए बोगो के फांसी लगी पहर के तड़के लोग उठे थे सो सो के कल बोले था अब ना बोले मन देख लिया सब टोटो के रिश्तेदार यार प्यारे सब बैठे हजरत बोगो के रिश्तेदार छाती पे धर के लासन छाती पे धर के लासन फिर रोवे थी से थानी लिखने वालों लिख लो मेरे दर्द की कहानी चौड़े में डूबी मेरी नाव बिना पान मैं तरा के पाड़ के आ गई खाक जंगलों की छानी अरे चढ़ती जवानी मेरी चढ़ती जवानी मेरी काजियों ने ढाई हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई हकीकत को काजियों ने छाती में मेरे घाव चसक रे छाती में इन रोधन मचा के छोड़ लिए साथी साथ छोड़ जा कह के मुझको भी बस गोल लिए तेरे साथ सती होना
चाहे नाप लिए या तोल लिए, दाहड़ मार के रोई एक साजन उठे डोल लिए, दाहड़ मार के रोई एक साजन सब हाथ झाड़ के हाँ। सब हाथ झाड़ के बैठे कहीं थोड़ नाथ गाना, भारी कौन सुने यहाँ राज है बराना, काजियों का नाश दुनिया मार रही ताना, गौरी शंकर लाल कोई राह तो बता, कोई शंकर लाल कोई राह तो बताना, हर पीरू सती कराना मैं सारी, हर पीरू सती कराना मैं सारी, हर भूल गई चतुराई हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई, हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई, सारी बात वो भूली रांझे से कह देती है कि परसों ये अटखेड़े चली जाएगी, तो मेरे मेहरबानो वो गुस्से में रांझा नाराज होकर अपने तबेले में सो जाता है। रोज की तरह वो हीरे दूध मलाई का कटोरा लेकर के उसके पास आती है, लेकिन वो रांझा फाटक नहीं खोलता है, जैसे तैसे फाटक खोल भी देता है तो काला कंबल ओढ़ करके सो जाता है गहरी नींद में, और नाटक करता है सोने का। तो किस तरह से वो हीरे आज उसके गूंठे को पकड़ पकड़ कर हिला हिला रही है और उसे जगा रही है, सुनेंगे इस रागनी में। Good.
हाउस खिदरपुर कालू भाई 2500 रुपए पहले और 101 रुपए फिर से मेरा मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करता हूं। और श्रीमान राम किशन जी बलवा से वो भी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद। और 101 रुपए माता जी अभी देख रही हैं, उनका नाम नहीं जानता, सभी को दिल से और दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करता हूँ। क्या लिखा अगली बात में, करके आई रांझे जाड़े पाले में, ठिठर रही मैं आशिक तू सोया कंबल काले में, मैं रुके हुआ तेरे लते तारू पकड़ हिलावे हो, तन हीर जगावे पुट्ठा पकड़ हिलावे। बड़े भाई जसवंत यादव जी इसी रागनी पर खुश होकर के वो भी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं, उनका भी तहे दिल से बार बार धन्यवाद। क्या लिखा अगली बात में, अरे डरती डरती हाँ, अरे डरती डरती आई सुबह झुकी रात अंधेरी, मलाई लाई सुमे रांझे खतर तेरी, नाई उठा पड़ी चतुर उठा पड़ी सो या तू धनी रे सवेरी, मन करी खता के रांझे और कर तिर मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। एक रागनी और फरमाइश कर रहे हैं, मौका रहा तो वो भी जरूर पूरी की जाएगी। क्या लिखा अंतिम बात में, अरे यठ के बैठा देखे यठ के बैठा हो रंजे हम मेरा जिगर दुखिए मत बच्चा मैं तू पाली ये मत ना, जाइए को सुंदर जाइए मीठे सर ऋषि पाल भतई ये मत ना,
प्यारी सपने के मेरा दिल हो कवि ने पंजाबी भाषा आजकल तो सभी बच्चे जानते हैं, ज्यादातर पंजाबी गाने सुनते हैं, साडे आडे और फलाना ढिमका, तो क्या लिखा दूसरी बात में? असी देख रहे थे असी देख रहे थे ताज महल तुसी साडे गई नाल में तुसी वेले होके अखंडी सी छोले पूरी दे नाल में हुसन देख असी सोच इंद्रायणी साडे ख्याल में असी चांदे तेरे फरियादी सीरी दे तुसी हाल में असी चांदे तेरे फरियादी सीरी दे तुसी हाल में कालू भैया
कई हजार रुपए पहले और 101 रुपए से फिर से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करता हूं उनका। और कुछ समय पहले एक भोजपुरी भाषा का एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, तू लगावे लो जब लिपस्टिक जीला टॉप लागे लो, तो वो ही भोजपुरी भाषा थी। और कवि ने ये कभी भी भोजपुरी भाषा में लिखी, क्या लिखा, बतिया में हरबतिया में रतिया कट गई होया तेरे का बुरा हालवा, दिन रतिया बैराग भयल है करत तुहार ख्याल, हमार जवानी भयला बैरानी उठवे करत झालवा, तुहार कमरिया लचकत दीखत दिलमा भय सालवा, तुहार कमरिया लचकत दीखत दिलमा भय सालवा। महाशय जी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और उन्होंने लिखकर भेजा है कि एक रागनी और प्लीज, देखिए मौका मिलता रहेगा तो चाहे गाते गाते ही दम लिख दियो, लेकिन आपकी फरमाइश जरूर पूरी होंगी। और 501 रुपए श्रीमान दीपक जसाना जी, डीजे मूवीज कंपनी के जो मालिक हैं, आज यहाँ पर कैमरा लगाकर बैठे हैं अपना, वो भी 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं, उनका बार बार धन्यवाद। और 51 रुपए, बड़े भाई का नाम नहीं जानता, वो भी मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करता हूँ। और क्या लिखा अंतिम कड़ी में, तेरा रतवा और सीरज समा दिखी थी मुझे खानदानी, तू साही तक ताजर तवा बेगम का सा झलवा पानी, ऋषिपाल चाल लगी सहमा देख लगी हथी जसी मस्तानी, गाना से को सिंदर का खुली आंख मिली ना बूझानी, अरे गाना से को सिंदर का खुली आंख मिली ना कर देते हैं। मेहरबानो, आज पांडव दल में ऐसा कोई योद्धा नहीं था अर्जुन के सिवा जो उस चक्रव्यूह को भेज सके। सारी सेना चिंता में बैठी हुई है, धर्मराज के माथे पर सिकन है,
तभी वहां पर अभिमन्यु का आना होता है। एकदम लाल सुरख चेहरा और लाल माँ झलकती हुई अभिमन्यु के चेहरे से आकर धर्मराज को प्रणाम करता है और कहता है कि हे तात, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चक्रव्यूह के मैदान में जाऊं, क्योंकि जब मैं गर्भ में था तो पिता श्री अर्जुन ने मेरी माँ को चक्रव्यूह का सारा हाल सुनाया था और मैं गर्भ में सारा हाल सुन रहा था। मेरे दिल दहल जाता है धर्मराज का, मना कर देते हैं कि बेटे अभिमन्यु तेरी उम्र बहुत छोटी है और ये बड़े बड़े योद्धा बड़े निर्दयी हैं, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा उस अपने भाई से। अरे मेहरबान हो, सारी बात धर्मराज को बताता है अभिमन्यु गर्भ की। कहता है कि धर्मतात, छह द्वारों को मैंने तोड़ना सीख लिया था और उनमें से वापस आना भी सीख लिया था, लेकिन साथ में द्वार का केवल प्रवेश सुन पाया था। जब पिताश्री निकलने की विधि बता रहे थे माँ को तो माँ सो जाती है और गर्भ में मैं भी सो गया, तो आप ऐसा करना कि मेरे पीछे बड़े बड़े धनुर्धरों को भेज देना कि अगर मैं साथ में द्वार में फंस जाऊं तो वो कैसे भी करके मुझे बाहर निकालने। ना चाहते हुए भी आज आज्ञा दे देते हैं, लेकिन मन अंदर से बहुत दुखी था धर्मराज का। और जैसे ही वो 16 साल का शेर रणभूमि में पहुंचता है तो किस तरह हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ सारे द्वारों में प्रवेश करता है, इस रागनी के एक एक बोल में सुनेंगे बहुत ही सुनने लायक बात। क्या लिखा? मेघवाल 101 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद मेरे मेहरबानों। आज जब छह द्वारों को तोड़ देता है तो कौरव दल में तहलका समझ जाता है। गुरु द्रोण भी एक बार के लिए अपने माथे पर हाथ धरने लगते हैं कि इसकी विधि तो बस तीन लोग जानते थे, मैं, मेरा बेटा अश्वत्थामा और अर्जुन। ये अभिमन्यु को ये विधि सिखाने वाला कौन है? मेरे मेहरबानों, वो उस तरह से मारकाट मचा रहा था कि बड़े बड़े महारथियों के छक्के छूट रहे थे। क्या लिखा कवि ने?
खलबली मची खलबली कौल बदल में कोई भी चले ना पेश सभी भारती छिपके बैठे कायर ताकत करके भेस खट्टे दाद करे बालक मेरे जान बचार सभी नरेश तैसे नैस कर सभी भारती तैसे नैस कर सभी भारती और दुर्योधन सब योद्धा बचा रहे थे अर्जुन के उस अर्जुन के बेटे नरण मारा कर दिया खाली मैदान अरे अर्जुन सब लवान जंग मारा कर मार मार रे कैरों के दल में मच रही हरी
जिंदगी ने दिखा दो मखो हो जाती हो तो जिंदगी ने दिखा दो मखो फौजी जी, इसी बात पर खुश होकर के 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। और तीसरी बात में वो दुखी होकर रांझा किस तरह से उस हीरे को ताने मारता है सुनेंगे। भैया पहले भी कई 100 रुपए दे चुके हैं और 100 रुपए से फिर से मान सम्मान करते हैं। और रोहितास यादव जी वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। दोनों का बार बार धन्यवाद करता हूं। और एक और फरमाइश लिख के भेजिए महाभारत की रागनी करण अर्जुन की, अब की बार मौका लगेगा तो वो भी रागनी अभी हो जाएगी। क्या लिखा अंतिम बात में, जलियांवाले बाग में अमृतसर में बैसाखी मनाई जा रही थी। अंग्रेजी शासन था,
मेहरबानो, जैसे ही भीड़ इकट्ठा हुई बाग के अंदर, वैसे ही उस अंग्रेज शासक जनरल डायर ने अपनी फौज को आदेश दे दिया, और आदेश भी ऐसा दिया कि उन निहत्तों पर गोलीबारी शुरू करा दी थी। उस गोलीबारी में छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां, बेटियां और बुजुर्ग भी शामिल थे। अपनी जान बचाने के लिए तितर बितर भागने लगे, कोई दीवारों पर चढ़ता है, कोई पेड़ों पर चढ़ता है, कोई कुओं में कूद रहा था। लेकिन बहुत भयानक मंजर था, तो कवि ने किस तरह से उस मंजर को दर्शाया है, सुनेंगे दो शब्दों में। बच्चा बच्चा जय हिंद बोल रहा था, भारत माता की जय की पुकारों से वो बाग कूद रहा था। एक बार को सभी ने ये निर्णय किया कि इन गोरे गद्दारों से खुद ही निपट लेंगे, लेकिन क्या करते, निहत्थे, उनके हाथों में कुछ नहीं था, और एक तरफ से वो बंदूकें, वो गन आग फेंक रही थी। क्या लिखा कवि ने, सीने में दागी चमन की पत्ती मुरझा गई।
कोई शब्द अच्छा लगा या इसे देशभक्ति बात को सुनकर खून में कुछ उबाल आया। श्रीमान कालू राम जी राजपूत 51 रुपए और श्रीमान आदेश सिंह जी वो भी 51 रुपए, दोनों मान सम्मान करते हैं, दोनों का बार बार धन्यवाद। और श्रीमान प्रहलाद यादव जी इसी रागनी पर खुश होकर के वो भी 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं, सभी का बार बार धन्यवाद करता हूं। क्या लिखा अगली बात में, किसी के पाप मर भाई, किसी का मर गया जमाई, किसी के समय सिंह यादव जी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं, और कृष्णा टेंट हाउस खिदरपुर कालू भाई ये 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं और हीरे रांझे की रागनी की डिमांड करते हैं। तो कालू भाई से कहना चाहूंगा अब के राउंड में जब नंबर मिलेगा तो उनकी फरमाइश जरूर पूरी की जाएगी। क्या लिखा अगली बात में, अंग्रेजी शासन में रिकॉर्ड है कि इस देश को आजाद कराने के लिए 7,32,000 लोगों ने अपनी जान खपाई थी। 1732 में जलियांवाला कांड भी शामिल है। उन वीरों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। एक समय ऐसा आया कि वो गोरे गद्दार वो अंग्रेज इस देश को छोड़कर भाग गए और आज हम चैन से आजादी की सांस ले पा रहे हैं। क्या लिखा अंतिम बात में, देश
ततारे हकीकत स्कूल में पढ़ने जाता है। 16-17 साल की छोटी सी उम्र थी, हाल ही में शादी हुई थी, मुसलमानी राज था, मुगलों का राज था, और वहां मदरसे में कुछ बच्चे उस वीर हकीकत राय से माता रानी के बारे में, हमारी देवी मैया के बारे में बुरा बोल देते हैं, जो उससे सहन नहीं होती है। हिंदू खून था जो उबाल लेने लगता है, और वही हकीकत उनकी फातिमा के लिए चार बात फालतू कह देता है। बात मेरे मेहरबानों काजियों तक पहुंचती है, और यह मिसकोट कर दिया जाता है कि यहां मुसलमानी राज है, यह बच्चा बचना नहीं चाहिए, इसने हमारी फातिमा की तौहीन की है। मेरे मेहरबानों एक मौका दिया जाता है कि हकीकत तेरी जान बच जाएगी अगर तुम इस्लाम धर्म कबूल कर ले, लेकिन धर्म के कगार में रंगा हुआ वो हकीकत साफ मना कर देता है कि हिंदू का खून हूं, जुबान पर देवी मां का नाम ही रहेगा। तो मेरे मेहरबानों आज वो दिन आ जाता है कि हकीकत को वो काजी फांसी के तख्ते पर लटका देते हैं, और बड़ा ही मकबूल वर्णन कवि ने यहाँ का किया है, एक एक शब्द सुनने लायक, और बहुत ही फेमस रागनी जो इस रागनी जगत में कभी हमारे गुरु ईश्वर की कोशिश खदाना जी ने गाई थी, बच्चे बच्चे की जुबान पर रहती है ये रागनी। सुनेंगे क्या लिखा, हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई, हकीकत को काजियों ने फांसी लगाई। ओ छोरे सब तो के फांसी लगी पहर के तड़के, लोग उठे थे सो सो के, रिश्तेदार यार प्यारे सब बैठे हसरत खो खो के, रिश्तेदार यार प्यारे सब बैठे हसरत खो खो के। हकीकत को
अच्छा लगा 501 रुपए शिव मंदिर लेडीज कमेटी हिदरपुर मेरा मान सम्मान बढ़ाते हैं। मैं उनका दिल से और दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात में कवि की कल्पना देखिए, हकीकत की मां के बारे में बताया, जब उसके बेटे को फांसी लगी उसकी क्या दशा थी। मेरे मेहरबानों, माँ की ममता बड़ी अजीब बताई है, बेटा चाहे कितना बुरा हो लेकिन माँ फिर भी उसे अपने जी जान से ज्यादा प्यार करती है। तो कवि ने हकीकत की माँ की दशा अपनी चार लाइनों में दर्शाई है, किस तरह से। छाती पे धर के लास ने फिर रोवे थी से तानी, लिखने वालों लिख लियो मेरे दर्द की कहानी। चौड़े में डूबी मेरी नाव बेना पानी, रात पाड़ के आ गई खाक जंगलों की छानी। भी नहीं खुला था और जब पति के मरने की खबर सुनती है तो चक्कर खाकर जमीन में गिर जाती है। किसी ने कहा है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो यह बारात बुरी लगती है। और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता मेरे दोस्तों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। क्या लिखा, बड़े भाई संजय जी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और संजय जी और बिल्लू जी ये भी 100 रुपए से 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं। सभी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करता हूं। क्या लिखा, मेरा धाव
मेरा घाव चसक रे छाती में इन रोदन मचा के छोड़ लिए साथी साथ छोड़ गया कह के मुझको भी वैस घोड़ लिए तेरे साथ सती होना चाहे नाप लिए या तोड़ लिए कहड़ मार के रोई एक बे साधन युक्त तोड़ लिए ओ कहड़ मार के रोई एक बे साधन युक्त तोड़ लिए सामने आ जाते हैं मेरे मेहरबानों, वो भयंकर युद्ध चल रहा था मैदान में कि आसमान में अंगारे नजर आ रहे थे। अब तो एक मौका लगता है कि जिसमें कर्ण जीतने वाला होता है। अर्जुन के पास कर्ण के बाणों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक ही क्षण में पासा पलट गया और कर्ण के सामने आज वो श्राप आ जाता है जो कभी उसे ऋषि ने दिया था, और उस श्राप की वजह से आज कर्ण का रथ का पहिया धरती में गड़ जाता है। फिर क्या था, कर्ण रथ से उतरकर उस पहिये को निकालने के लिए आता है। उधर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन केवल एक यही मौका है तेरे पास कि जो तू इस कर्ण को हरा सकता है, इसे मार सकता है। अगर इसका पहिया रथ का धरती से निकल गया और ये एक बार फिर रथ पर सवार हो गया तो तेरा खेल आज खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं कि धनुष को उठा और गांडी पर बाण चढ़ा के कर्ण की गर्दन को साफ कर दे। हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है अर्जुन के, महाराज कैसी बात कर रहे हो, आप तो स्वयं भगवान हो और क्या आप भूल गए कि महाभारत के नियम आप ही ने बनाए थे, जिन नियमों में एक से एक लड़ेगा, जो रथ के नीचे होगा उस पर वार नहीं किया जाएगा और निहत्ते पर भी वार नहीं किया जाएगा। ये नियम आप ही ने बनाए थे और आज आप ही मुझसे कुकर्म करवा रहे हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि पारथ, इस महाभारत के युद्ध में ये नियम तो बहुत पहले ही टूट चुके हैं। तू चार दिन पहले की बात भूल गया कि तेरे बेटे अभिमन्यु को सात लोगों ने घेर कर उस चक्रव्यूह में मारा था।
इस तरह से क्रोध दिला देते हैं आज ऐसी बात कर करके, कभी चीरहरण की बात याद दिलाते हैं, कभी अभिमन्यु वध की बात याद दिलाते हैं, और आज क्रोध में अर्जुन गांडी पर बाण चढ़ा लेता है। और जैसे ही निशाना साधता है उधर से कर्ण की आवाज आती है कि ठहर जाओ धनुर्धर, इतना ही बड़ा धनुर्धारी है तो मुझे थोड़ा समय दे, मैं निहत्ता हूँ, मुझे इस रथ के पहिया को निकालने दे, एक बार तेरी मर्दानी मैं देखूंगा कि तू किस तरह छत्राणी से पैदा है, किस तरह से वो कर्ण ताने मारता है दोनों को, सुनेंगे इस राग में। कमल नयन की जो गौ तूने सताई थी, आज तुझे वो गौ श्राप दे गई है। कभी उसके दिमाग में आता है कि उस ऋषि का श्राप तेरे सामने आ गया है। कभी वो श्री कृष्ण और अर्जुन को ताने मारने लगता है, आज कर्ण की बहुत बुरी दशा थी मैदान में। किस तरह से लिखा, भगवान
सुरेंद्र पंच जी खिदरपुर से 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं। कृष्णा टेंट हाउस खिदरपुर कालू भैया फिर से 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं, कई सौ रुपए पहले दे चुके हैं। और एक और फरमाइश हीर रांझे की लिख के भेजी है, अब की बार जो आपके राउंड में नंबर आएगा जरूर उस फरमाइश को भी पूरा कर देंगे। और किस तरह से क्या लिखा अगली बात में, वो करण कहता है कि अर्जुन मुझे तो तू सूत पुत्र कहता है लेकिन अपने आप को इतना बड़ा धनुर्धारी मानता है और तू असली छत्राणी की औलाद है, तो कुछ थोड़ा सा समय दे दे कि एक बार इस पहिए को मैं निकाल लूं, यह मैं बता दूंगा कि कौन छत्राणी की असली औलाद है। किस तरह से अगली बात में कहता है सुनेंगे। क्यों ना शर्म तने आया तीर वैसे तू छत्रापन जाती मेदवाल,
₹2500 पहले और ₹101 फिर से रागनी पर खुश होकर देते हैं। बार बार धन्यवाद। और मेहरबान मेहर सिंह जी ने बताया कि उस प्रोग्राम में एक प्रोग्राम में वो रागनी गा रहे थे, तभी एक एक करके दो तीन लोग उठे और उन्होंने क्या क्या फरमाइश की सुनेंगे। कोई कहे से हरे, कोई कहे से लखमी चमकी रीत पुराई गाते, कोई कहे से चंद्रलाल की फिल्मी प्रदर्शन दे, कोई कहे से 9, 2, 11 17, 18 गा दे, कोई कहे उसे नौटंकी के फूल तोड़ के ला दे, हो कोई कहे से, कोई कहे से समझ न आता यो कैसा गाना गाए से, दुनिया का रंग ढंग देख मने अचरज साया वैसे, दुनिया का रंग ढंग देख मने अचरज साया वैसे, नीरज जांगिड़ सनोप कैलाश जांगिड़, ये कैलाश जांगड़ वही है जो कभी हैं? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ₹101 से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और ₹101 डॉक्टर अजय कुमार जी वो भी मान सम्मान करते हैं, सभी का बार बार धन्यवाद। इस लाइन में आया कभी, इस कली में आया कि कोई कहे से 9, 2, 11, 17, 18 गा दे, 9, 2, 11 हरियाणा की बहुत प्रसिद्ध तर्ज हुआ करती थी कभी, आजकल के गायकों को तो पता भी नहीं है कि वो तर्ज क्या थी, पसीने छूट जाते थे गायकों के। और 17, 18 भी एक ऐसी ही तर्ज है, तो इसी तरह की फरमाइश, ऐसी ऐसी फरमाइश आती है सुनने वालों में, गाने वाले से सुनने वाले के अंदर ज्यादा ज्ञान होता है, तो उसी चीज को दर्शाया है इस रागनी में। और अगली बात में किस तरह क्या लिखा, बता क्यों ब्याह के ले जताना, पूरण की मौसी ने वो पूरण क्यों पड़ गया मरवाना, कोई कहे से सही ढंग का अच्छा गा दे गाना, कोई कहे से समय निकलता फिर पाछ पछताना, कैसी तरह ल्यावे से, और दुनिया का रंग ढंग देख मने अचरज साया वे से, दुनिया का रंग ढंग देख मने अचरज साया वे से। फरमाइशों के बीच एक ऐसा ताऊ सरा भी उठ गया कि उसने सारी राड़ी काट के धर दी। वो इस कली की अंतिम लाइन में सुनना, और वो लाइन अच्छी लगे तो एक बार जोरदार ताली बजाना, अगर वो लाइन अच्छी लगे तो। क्या लिखा, आज सांग फिर तय करे दे, कोई कहे मारे खड़ी सामने मीरा भाई करे दे, जाट मेहर सिंह कावड़िया किस किस का पेट भरे दे, ओ एक यूथ उठनू बोलिया रे, एक ऊत ऊत बोलते पागल को, एक ऊत युथ नू बोलिया के मेरा घंटा गावे